बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिश करी बनाएंगे। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कीजिए। फिश आधा किलो, टोमेटो पेस्ट 1 कप, स्लाइस्ड मीडियम साइज का 1 प्याज, दही 1 कप, कुटी हुई सुरख मिर्चें 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, मैदा 2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, फिश मसाला 1 टेबलस्पून। ये होममेड है जो मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नमक टू टेस्ट, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लेमन जूस 3 टेबलस्पून। सबसे पहले फिश को मैरिनेट करेंगे। मिक्सिंग बाउल में फिश ऐड कर दें। फिश ऐड करके हाफ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें, लेमन जूस ऐड करें, इनको अच्छी तरह मिक्स करें। फिश को मैंने अजवाइन, नमक, लेमन जूस लगाकर 1 घंटे के लिए रखने के बाद अच्छी तरह वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था। लेमन और अदरक लहसुन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैदा ऐड करें। अब इसे अगेन अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हाफ एंड आवर के लिए फ्रिज में रख दें। सबसे पहले 1 कप ऑयल ऐड करें। मैं सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप वेजिटेबल ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें फिश ऐड करें। जब फिश को ऐड करें तो थोड़ी देर चम्मच ना हिलाएं। एक तरफ से लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो साइड चेंज कर लें। इसको फुल फ्राई नहीं करना, जस्ट हाफ फ्राई करना है। फ्राई करने का मकसद ये कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, और दूसरा जब इसे करी में ऐड करें तो टूटे ना। जस्ट 3 से 4 मिनट फ्राई करें। दूसरी तरफ से भी लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब बाकी की फिश भी फ्राई कर लें। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इसे भी दोनों तरफ से लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। सेम पैन में प्याज ऐड करें। प्याज ऐड करके ट्रांसपेरेंट होने तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, अब दही के साथ इसे ब्लेंड करेंगे। हाफ अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने बचा कर रखा था वो ऐड कर दें। लो फ्लेम पे 1 मिनट तक फ्राई करें। अब कुटी हुई मिर्ची ऐड करें, इसके साथ हल्दी पाउडर ऐड कर दें। धनिया पाउडर ऐड करें,
और टमाटो पेस्ट ऐड करें। टमाटो पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें फिश मसाला ऐड करें। टमाटर का पानी ड्राई होने तक कुक करें। दही और प्याज का मिक्सचर ऐड करें। अच्छी तरह मिक्स करें। दही का पानी ड्राई होने तक कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रखें। दही और टमाटर का पानी ड्राई हो चुका है। ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसमें नमक ऐड करें। नमक एहतियात से ऐड करें क्योंकि फिश को वॉश करते हुए नमक ऐड किया था। अब इसमें एहतियात से फिश ऐड करें। एक गिलास पानी ऐड करें। फिश ऐड करने के बाद चम्मच ना हिलाएं। अगर आप चम्मच हिलाएंगे तो फिश टूट जाएगी। पानी ऐड करने के बाद गर्म मसाला ऐड करें। हल्का सा मिक्स करें। बगैर ढके मीडियम फ्लेम पर फिश टेंडर होने तक कुक करें। तकरीबन 5 से 7 मिनट कुक करने के बाद फिश कम्प्लीटली टेंडर हो चुकी है। फिश करी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। मज़ेदार सी फिश करी बिल्कुल रेडी है। आप गरम गरम रोटी या नान के साथ एंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।